नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ इंडिया और मैं हूं आपके साथ सुमित। आज बात करेंगे अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर। अमेरिकी ड्रोन हमले में शीर्ष सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेने के लिए ईरान ने अमेरिका के खिलाफ अघोषित युद्ध का ऐलान कर दिया। शनिवार को ईरान के क्यूम में जामकरन मस्जिद पर लाल झंडा लगाया गया, जिसका मतलब युद्ध की शुरुआत या युद्ध के लिए तैयार रहने की चेतावनी है। इसके कुछ घंटे बाद ही ईरान में अमेरिकी दूतावास और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर रॉकेट और मोर्टार से हमले किए गए। इन हमलों के तुरंत बाद ही अमेरिका ने कहा कि हम इसके दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। ईरानी सेना के मुताबिक पहला हमला कड़ी सुरक्षा वाले ग्रीन जोन में अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाकर किया गया। एक मोर्टार दूतावास के करीब सेलिब्रेशन स्क्वायर पर और दूसरा रिहायशी इलाके जदरिया में एक घर पर गिरा, जिसकी वजह से 5 लोग घायल हो गए। ग्रीन जोन में सरकारी दफ्तर और विभिन्न देशों के दूतावास है। दूसरा हमला बगदाद से 80 किलोमीटर दूर सलाउद्दीन प्रांत में अल बलाद एयरबेस पर हुआ। शनिवार को ही अमेरिकी सेना वहां पहुंची थी। एयरबेस पर 4 रॉकेट दागे गए जो दक्षिण दरवाजे के बाहर गिर गए। इसके तुरंत बाद सर्विस लांस ड्रोन हमलावरों की तलाश में उड़ान भरने लगे। तीसरा हमला उत्तरी इराक के मोसुल शहर में किंडी एयरबेस पर हुआ। ईरान के जवाबी हमले के बीच अमेरिका भी पूरी तरह सतर्क है। मध्य पूर्व में चौकसी बढ़ाने के साथ ही ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी संसद को बताया कि ईरान एक हफ्ते के अंदर बदले की कार्रवाई कर सकता है। वहीं अमेरिकी ड्रोन हमले में ईरानी सैन्य कमांडर की मौत के बाद निजी रिसोर्ट में नए साल की छुट्टी मना रहे ट्रंप मीडिया के मुखातिब हुए और कहा कि हम सुलेमान के आतंक का शिकार हुए लोगों को याद करते हैं, जो पिछले 20 वर्षों से मध्य पूर्व को अस्थिर करने के लिए आतंकी साजिशों को अंजाम दे रहा था। उसने लंदन और दिल्ली में बड़े हमले की साजिश रची थी। हाल ही में सुलेमान ने ईरान में प्रदर्शनकारियों के क्रूर दमन का नेतृत्व किया। वहां 1000 से अधिक निर्दोष नागरिकों को यातनाएं दी। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव पर ये थी हमारी आज की बड़ी खबर। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑफ इंडिया।